फरीदकोट रियासत की हजारां करोड़ की जायदाद शाही परिवार के विच वंडी जाएगी। ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ की वसीयत नू गैर कानूनी करार दे दिता है अते ट्रस्ट नू भी भंग कर दिता गया है। पर यह लड़ाई इन्नी आसान नहीं सी। देश दे सर्वोच्च अदालत ने एक अहम फैसले दे विच फरीदकोट रियासत दे आखरी महाराजा हरिंदर सिंह वल्लों चार दहाके पहला रियासत दी हजारां करोड़ दी जायदाद दी सांभ संभाल लई लिखी गई शाही वसीहत नूं गैर कानूनी अते शक्की मंदिया रद्द कर दिता है। इस वसीहत दे आधार ते स्थापित कीते गए महारावल खेवाजी ट्रस्ट नूं भी भंग कर दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगवाई वाले तीन जजा की बेंच ने अपने हुक्म दे विच कहा कि 30 सितंबर 2022 तो बाद महारावल खेवाजी ट्रस्ट शाही जायदाद की सांभ संभाल दे विच किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के सिविल जज नूं आदेश दिते ने कि राजा हरिंदर सिंह दे कुल जायदाद उस दीआं धीआं अमृत कौर दीपिंदर कौर अते राजा दे भरा मनजीत इंदर सिंह नूं वंडी जाए। अजिहे च मनजीत इंदर सिंह दे पोते अमरिंदर सिंह बराड ने सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा स्वागत कीता है। सुप्रीम कोर्ट दा ऑर्डर है जी, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। पर जे ये फैसला अज तो 25 साल पहला हुंदा ते हो सकदा जिहड़ा साडा शाही खानदान दा कानून सीगा प्राइम जेनेचर ओहदे ते हो जांदा। बट हुण वक्त बदल गया, सरकमस्टेंसिस बदल गए, लॉज थोड़े नज़रिया चेंज हो गया लॉज वाल देखण दा। सो हुण सुप्रीम कोर्ट दा ऑर्डर है, वी एक्सेप्टेड विद फोल्डेड हैंड्स। तो मैनू तो यही खुशी है जी, मेरे ग्रैंडफादर ने केस फाइल किया सी, फिर मेरे फादर कोल आया, फिर मेरे कोल आया। तो रब दा लख लख शुक्र है कि ये केस हुण इत्थे सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। तो मैं चाहुंदा नहीं सीगा ये कि ये जिहड़ा केस हैगा ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਗਏ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਸੀਹਤ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। अगस्त 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। कोर्ट के फैसले मुताबिक राजा हरिंदर सिंह की जायदाद दे विचों अमृत कौर अते दीपिंदर कौर नू 37.5 फीसद हिस्सा मिलेगा, जदों कि राजा दे भरा मनजीत इंदर सिंह नू 25 फीसद हिस्सा मिलेगा। जदों हुण महाराजा दे भरा नहीं रहे तां जेहे दे विच उन्हां दी अगली पीढ़ी नू हिस्सा मिलेगा। अमृत कौर चंडीगढ़ दे विच रह रहे ने, जदों कि दीपिंदर कौर दी मौत हो चुकी है तां उन्हां दे अगे परिवार नू इह हिस्सा मिलेगा। अमरिंदर सिंह बराड़ मुताबिक ये कानूनी लड़ाई इन्नी आसान नहीं सी। खैर वो हुण भी उम्मीद करते हैं कि परिवार इकट्ठे होके बैठेंगे ते छेती इस मसले नू खत्म कर लिया जाएगा। हर्डल्स बहुत सीगे जी। पहला तो कोर्ट फी का हर्डल सीगा। जो 2006 च मेरे फादर ने मैनू फोन किया तो कहिंदे भी 15 लाख कोर्ट फी हैगी है। 2006 च वड्डा अमाउंट सीगा ते कहिंदे की करिए, ते मैं कहा जी ला दो। तो फिर असी घर का एक हिस्सा वेच के फरीदकोट तो ते कोर्ट फी भरी। सो कोर्ट फी का मसला सीगा, फिर टाइम का मसला सीगा। मेरे फादर दी वेट प्रॉब्लम सी, ओबीसिटी दी प्रॉब्लम सी। 2011 तक उन्होंने किया जिन्ना कर सकते सी केस वास्ते, फिर वो क्या भी मैं नहीं हूँ केस लड़ सकता, तू हैंडल कर। सो 2011 तो मेरे को केस आया। तो उदू बाद
ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 13 ਬੈਗ ਹੈ 30 30 40 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਟ ਫੀ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ 2011 ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਬਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਰਕਾਈਵਸ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੱਢੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਹਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਸੀਹਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਸੀਹਤ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 1000 crore ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੋ 14 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ 10 acres ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ 17.5 lakh rupees ਹੈ 9 years ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 crore rupees ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋ 300 years ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੋ 260 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 18 ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ 1929 ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਹਮ 1940 ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੈਂਟਲੇ ਜੈਗੁਆਰ ਡਾਇਮਲਰ ਪੈਕਾਰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਡਰੋਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 200 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1000 crore rupees ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
कुछ हरियाणा दे विच प्रॉपर्टीज है, फिर हिमाचल दे विच मशोबरे च प्रॉपर्टीज है, सो ऑल ओवर इंडिया ही है जी प्रॉपर्टीज। मनी माजरा इतने चंडीगढ़ दे विच है, ते कैम वाला मौली जागरा इतने लैंड है, सो काफ़ी प्रॉपर्टी है जी। हाँ जी, ये प्रोसेस तो काफ़ी कंबरसम रहेगी सारा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये तो जी मेरे ख्याल जे फैमिली आपकी ईगो छड़ के ते कट्ठे हो जाण ते बैठ जाण, क्योंकि अखीर सानू बैठना ही पऊगा आपस च, ओदी कोई मतलब दो राय नहीं हैगी। नहीं तो जदों मैं केस शुरू होया मेरी उम्र 20 साल सी, अज 50 तो उत्ते हो गए, तो ये होर ड्रैग हुंदा जाऊगा, ये फ्रूट्स इंजॉय करन नहीं मिलणगे जिहड़े कि साडा हक सीगा सारिआं दा। तो ये ईगो छड़ के न्यों के एक दूजे की प्रॉब्लम समझ के किसी नूं वध थोड़ा कट करके इस तरह चलना चाहिए है मेरे हिसाब से, जो मैं पहला भी ट्राई किया 2020 भी, तो हूँ मेरे तो व्डे है दोनों भूआ जी एक है, दूजिया के बच्चे वह भी मेरे तो व्डे है, तो सत्यार सत्कारयोग है, तो पर थोड़ी जी ईगो की प्रॉब्लम हैगी है जिहड़ी कि मैं तो बहुत पहला छड़ती सी। साल 2006-07 तो लेके तमाम जायदाद की कीमत 20,000 करोड़ रुपए के आले दुआले दसी जा रही है, पर हुण इन्ने साल बीतन दे बाद इस कीमत दे विच चोखा वाधा होया होवेगा। अमरिंदर सिंह बराड़ दे वकील मुताबिक फिलहाल जायदाद दा सिर्फ अंदाजा लाया जा रहा है, पर असल कीमत किसे नूं नहीं पता। पर एक गल स्पष्ट है कि इस जायदाद की कीमत 20,000 करोड़ रुपए तो कितने ज्यादा है। जनरली अपन गल कर लें अज की डेट से केस जो इस मामले की गल करते हैं, नैटवर्थ की है प्रॉपर्टीज की सर, जिदा नॉर्मल अपन गल करते हैं कि कोर्ट के सामने कोई यदि परफेक्ट वैल्यूएशन नहीं है, बट अराउंड समझो 2006-07 ऑनवर्ड जी न्यूज़ च या मीडिया च अदरवाइज ये 20,000 का फिगर उदों का आ रहा है। हुण जे 20,000 करोड़, हाँ 20,000 करोड़ का फिगर अराउंड 2000 इफ यू सी तुसी इंटरनेट पर भी जाके देखोगे, तो उस तो बाद 20,000 जे आप किसी तरह भी मॉडिफाई एक्सट्रापोलेट करिए कि अज की डेट से की होगा, तो वन कैन वैल इमेजिन कोई कल आए थे वो कह रहे थे शायद 50,000 करोड़ हो सकता है, बट परफेक्ट वैल्यूएशन कोई अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशन जी है वो भी तो जरा 1,000 करोड़ देर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ इन 1,000 करोड़ बिकॉज जी एक प्रॉपर्टी है जी इतने कॉपरनिकस मार्ग है वह ही 5-6,000 करोड़ की होनी है। हाँ दिल्ली प्रॉपर्टी जी उत्थे हैगी न्याय मार्ग अनदर 1,000 करोड़, जे जी फरीदकोट की मार्की प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है, तो है तो 1,000 करोड़ ची, सो हूँ किन्ने 1,000 करोड़ है दैट इज द म्यूट क्वेश्चन। फरीदकोट के राजमहल करीब 37 कमरे ने, ए फ्रेंच स्टाइल बनया हुआ है, 2 स्विमिंग पूल तो इलावा एक लाइब्रेरी, एक हस्पताल, गुरुद्वारा साहब मौजूद है। जेकर गल किला मुबारक दी कीती जाए तो शाही परिवार इत्थे रहिंदा रिहा है, इस दे विच शीश महल दे नाल एक दरबार हॉल, मोती महल, गुरुद्वारा साहिब, तोशाखाना, शांत महल, विंटेज कारां दी गैलरी मौजूद है। इत्थे एक होर ब्रेक लई रुकदिआं ते ब्रेक तो बाद राजा हरिंदर सिंह दे परिवार दे बारे जाणांगे। महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ फरीदकोट रियासत दे आखरी राजा हुए ने। इन्हों के 3 बेटियां ते 1 बेटा सी, 2 बेटियां ते बेटे की मौत हो चुकी है। राजा की मौत तो बाद परिवार दे विच जायदाद नूं लैके झगड़ा शुरू हो गया सी। फरीदकोट रियासत दे आखरी महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ दीआं 3 बेटियां ते 1 बेटा सी। बेटा टिक्का हरमहिंदर सिंह दी 13 अक्टूबर 1981 नूं मौत हो गई सी। महाराजा दीआं 3 बेटियां अमृत कौर, दीपेंद्र कौर, महीपेंद्र कौर सन। महाराजा ने अपनी वसीहत दे विच बेटी अमृत कौर नूं बेदखल कर दिता सी। 16 अक्टूबर 1999 नूं महाराजा हरिंदर सिंह दी मौत हो गई सी।
मौत तो दो दिन बाद राजा हरिंदर सिंह की वसीहत जनतक हुई। इस वसीहत के आधार से महारावल खीवा जी ट्रस्ट होंद दे विच आया। नतीजा दो बेटियां दपिंदर कौर अते महेप इंदर कौर वसीहत मुताबिक महारावल खीवा जी ट्रस्ट दियां संचालक बनिया। तीजी बेटी अमृत कौर नू ट्रस्टी के तौर पर नहीं रखा गया। सारी जायदाद ट्रस्ट को चली गई। महाराजा हरिंदर सिंह की माता महाराणी महिंदर कौर की मौत महाराजा की डेथ के करीब दो साल बाद 15 मार्च 1991 में हुई। महाराजा की मौत समय उन्होंने छोटे भरा मनजीत इंदर सिंह जिंदे सन। उन्होंने मौत 25 सितंबर 1993 में हुई सी। उन्होंने भी जायदाद के अधिकार का दावा किया। मनजीत इंदर सिंह का बेटा भरत इंदर सिंह सी। अगे भरत इंदर सिंह के दो बेटे ने। राजकुमारी दपिंदर कौर का विआह पछमी बंगाल की वर्धमान स्टेट के राजा नाल होया सी। दपिंदर कौर की मौत 11 जनवरी 2019 नू हुई। शिमला दे विच 26 जुलाई 2001 नू महीपिंदर कौर की भी मौत हो गई सी। महीपिंदर कौर ने विआह नहीं सी करवाया। जदों की राजा हरिंदर सिंह की एक होर बेटी अमृत कौर विआह करवाउण बाद अजकल चंडीगढ़ दे विच रह रहे ने। राजा हरिंदर सिंह की जायदाद विचों हिस्सा ना मिलन तो निराश बेटी अमृत कौर अते महाराजा दे भरा मनजीत इंदर सिंह खफा सन। नतीजा अमृत कौर अते मनजीत इंदर सिंह दे पोतिया ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। महाराज की डेथ होंगी जी 1989 दे विच 16 अक्तूबर नूं डेथ होंगी उन्हां दी। फिर एक ट्रस्ट अनाउंस किया जाता उन्हां दे भोग ते 26 अक्तूबर 1989। तो सारी फैमिली बड़ी हैरान होंदी है। तो जे इंग्लिश का वर्ड यूज़ करिए तो नॉन प्लस्ड रह जाती है भी ये किवें वापर गए, ये की कीता है महाराज ने। तो उदू बाद आपसी सलाह चलती है मेरे फादर की, मेरे ग्रैंड फादर की। मैं तो खैर उस टाइम सिर्फ 19 साल का सीगा। तो फिर फाइनली डिसाइड किया जाता, 2-2.5 साल लग जाते इस प्रोसेस में। तो फाइनली असं डिसाइड करते हैं कि वी विल गो अहेड एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द ट्रस्ट। तो मेरे ग्रैंडफादर ने इनफैक्ट साडा केस पहला फाइल होया सी अप्रैल 1992। उदू बाद अक्टूबर दे विच राजकुमारी अमृत कौर जी ने जिहड़े मेरे भूआ हैगे उन्होंने केस फाइल किया। तकरीबन 18 साल या 16 साल 92 तो लैके 2006-07 तक तो कोर्ट फी दे उत्ते ही ट्रस्ट ने उलझाई रखिया। कोर्ट्स नूं भी तो सानू केस अगे नहीं तुर सकिया। फिर कोर्ट फी मैटर डिसाइड होया 2006-07 दे विच। फाइनली केस स्टार्ट हुंदा 2011 दे विच जदों एविडेंस रिकॉर्ड होनी शुरू हुंदी है। और फिर ट्रायल कोर्ट ऑर्डर आउंदा जी 2013 दे विच। उहदे च साडा हक नहीं मंजूर किया जाता। फिर वो सैशन कोर्ट असी लड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2018 च, उत्थे फिर सानू साडी सुनवाई नहीं हुंदी। फाइनली मानयोग हाई कोर्ट साडी सुनवाई करदे हैगे है, सानू शेयर दिंदे 25% दा मेरे ग्रैंडफादर दी फैमिली नूं। 2020 च फैसला आया सीगा। उस तो बाद ट्रस्ट फिर मैं बड़ी कोशिश की 2020 च भी आपदे कजनस नाल गल की भी समझौता कर लो। हाई कोर्ट ने सबनों कुछ देता, इन्नी वड्डी प्रॉपर्टी है तो यदा कुछ चंगा यूज़ करिए, कम करिए, नहीं तो अड्ड अड्ड आपदे शेयर ले लो तो जो तुसी करना है तुसी करो। बट मन्ने नहीं। फिर ट्रस्ट चला गया जी अपील च सुप्रीम कोर्ट। फिर अमृत कौर जी गए तो फिर फाइनली हुण जदों लड़ाई शुरू ही हो जाती है तो सानू भी फिर अखीर दे विच वी वर द लास्ट पार्टी टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो असी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। बड़ा लंबा सफ़र है। खबरां दे विच बड़ा ग्लैमर दे नाल शो किया जाता है, इन्ने हज़ार करोड़ है। मेरे ख्याल बड़ा पेनफुल प्रोसेस हैगा ये सारा। जिन्ने जीरो हैगे उन्नी मेरे ख्याल अथरू निकले होने साडे। अखीर 7 सितंबर 2022 नू महारावल खीवा जी ट्रस्ट नू सुप्रीम कोर्ट ने भंग करन दा आदेश दिता। महाराजा हरिंदर सिंह दी कुल जायदाद अमृत कौर, दीपिंदर कौर अते भरा मनजीत इंदर सिंह नू वंडन दे हुकम दिते गए। हुण इक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद फरीदकोट रियासत अते इस दे आखरी राजे दी गल करांगे। फरीदकोट रियासत दे आखरी राजा हरिंदर सिंह बराड़ होए ने।
हुण इन्हां दी जायदाद शाही परिवार दे विच वंडी जावेगी। रियासत दे खत्म होण तों लै के फरीदकोट दे जिला बण दी पूरी कहानी जानते हां। फरीदकोट एक इतिहासिक शहर है। अगस्त 1972 दे विच फरीदकोट नूं पंजाब दा जिला बनाया गया सी। फिर नवंबर 1995 दे विच फरीदकोट जिले दे विचों मोगा अते श्री मुक्तसर साहब अलग नवे जिले बना दिते गए। इस जिले दे विच एक लोकसभा सीट है जदों की तीन विधानसभा सीटा ने फरीदकोट, कोटकपूरा अते जैतो। फरीदकोट जिले दे करीब 181 पिंड ने अते तीन नगर काउंसलां। फरीदकोट विखे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज भी बनी हुई है। महान सूफी बाबा शेख फरीद जी दी चरण शो प्राप्त धरती अते देश दी अमीर विरासत नूं सांभी बैठी फरीदकोट दी सिख रियासत दुनिया दे इतिहासकारां दी नजर च है। 12वीं सदी तक फरीदकोट नूं मोकल नगर दे नाम नाल जाणिया जांदा सी। बाबा फरीद जी दी फेरी दौरान इस शहर दा नाम फरीदकोट रख्या गया। मुगल राज दी समाप्ति तो बाद इस ते बराड़ वंश दे राजा पहाड़ा सिंह दा कब्जा हो गया। बराड़ वंश दे आखरी राजा हरिंदर सिंह ने अक्टूबर 1934 नूं फरीदकोट रियासत दे आखरी राजे वजों कार्यभाग सांभिया सी। 1915 नूं महाराजा बरजिंदर सिंह अते महाराणी महिंदर कौर दे घर हरिंदर सिंह दा जन्म होया। हरिंदर सिंह फरीदकोट रियासत दे आखरी राजा सन। 1934 तो लेके 1948 तक 14 साल फरीदकोट रियासत संभाली। 16 अक्टूबर 1999 नूं उन्हां दा देहांत हो गया। हरिंदर सिंह बराड़ ने फरीदकोट दे विच बिक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बरजिंदरा कॉलेज, बीटी कॉलेज, खेतीबाड़ी कॉलेज दी स्थापना करवाई सी। बरजिंदरा कॉलेज अज भी चल रहा है। भारत सरकार ने जुलाई 1948 नूं फरीदकोट रियासत नूं खत्म कर दिता। महाराजा हरिंदर सिंह फरीदकोट रियासत दे आखरी राजा सन अते 16 अक्टूबर 1999 नूं उन्हां दा देहांत होया। मौत तो दो दिन बाद राजा हरिंदर सिंह दी वसीहत जनतक हुई सी। इस वसीहत दे आधार ते महारावल खिवाजी ट्रस्ट हुण चाया। 7 सितंबर 2022 नूं इस ट्रस्ट नूं सुप्रीम कोर्ट ने भंग करन दा आदेश दिता। महाराजा हरिंदर सिंह दे कुल जायदाद अमृत कौर, दीपिंदर कौर अते भरा मनजीत इंदर सिंह नूं वंडन दे हुक्म दिते गए ने। फिलहाल दे लई इना ही। देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो एबीपी सांझा।